उत्तराखंड के कई इलाकों में मिट्टी माफिया सक्रिय है और मिट्टी खनन के लिए खेतों और जमीन को बर्बाद कर रहा है। मिट्टी माफिया बिना इजाजत मिट्टी का खनन कर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहा है। खटीमा विकास खंड में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन माफिया का स्वर्णकाल चल रहा है। मिट्टी माफिया बिना परमिशन के खेतों की उपजाऊ मिट्टी का अवैध रूप से खनन कर उसका परिवहन कर बेच रहे हैं। इस मामले में शिकंजा कसने के लिए राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सितारगंज रोड पैनिया टोल नाके के पास अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ओवरलोडिंग एवं अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन करने के अपराध में सीज किया गया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करके मिट्टी खनन माफिया के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध खनन की यहाँ पर शिकायत प्राप्त हुई थी, सूचना पर हम वहाँ पर गए तो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हमने पकड़ कर सीज करके तहसील में रख दी हैं और इसके हम नियमानुसार इनका जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने जो खनन करने अवैध खनन करने वालों को सख्ती से कह दिया है कि अगर वो अवैध खनन करें तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।